गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रिफिथ टेलर ने जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण दिया है उसके बारे में। तो कल हमने बात करी थी ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया गया है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें लास्ट में थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगी कि आप अगर ये डायग्राम देखेंगे तो इसमें ये जो बीच वाला भाग है ये है मध्य एशिया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में कि विभिन्न प्रजातियों का विकास जो है वो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मध्य एशिया में हुआ है और यहाँ से ये प्रजातियां बाहर की ओर स्थानांतरित हुई, प्रवास कर कर गई। तो जब जो सब प्रजाति सबसे पहले यहाँ पर जिसका उद्भव हुआ वो महाद्वीपों के सबसे बाहरी किनारों पर, बाहरी छोर पर मिलती है, जैसे कि निग्रिटो, ठीक है। निग्रिटो प्रजाति जो है उसका विकास सबसे पहले हुआ, लेकिन इनको बाहर खदेड़ खदेड़ के या ये स्थानांतरित होते गए और आज ये इस जगह पे है। और इसके बाद विकास हुआ निग्रोस का, तो निग्रोस देखोगे तो यहाँ पर है। फिर आए ऑस्ट्रेलाइड्स, वो ये है, और फिर भूमध्य सागरीय लोग इस यहाँ पर, और अंत में जो प्रजातियां विकसित हुई जैसे मंगोलाइड सबसे लास्ट में जिस प्रजाति का उद्भव वो यहाँ केंद्र में है, फिर इसके आसपास अल्पाइन्स और यहाँ पर ही नॉर्डिक मध्य सागरीय। तो इस प्रकार जो प्रजाति बाद में विकसित हुई है वो आज ही मध्य एशिया और आज समीपवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है, और जो प्रजाति सबसे पहले विकसित हुई वो आज महाद्वीपों के किनारे वाले भागों में रहती है। ग्रिफिथ टेलर ने अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन कुछ आधारों पर किया है, जिसमें तीन बातों पर उन्होंने विशेष बल दिया। एक, प्रवास की प्रक्रिया, कि सर्वप्रथम प्रजातियों की उत्पत्ति जो है वो मध्य एशिया में हुई, उसके बाद यहाँ की जलवायु परिवर्तन और सामाजिक राजनीतिक कारणों से विभिन्न प्रजातियों का स्थानांतरण हो गया। जलवायु परिवर्तन से होने वाला स्थानांतरण विभिन्न हिमयुगों में हुआ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में। फिर इन्होंने कहा ग्रंथिरस सिद्धांत, में इन्होंने बताया कि जलवायु के विभिन्न कारकों की दशाओं में परिवर्तन होने के कारण मानव के शरीर की विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि थायराइड, पीयूष, एड्रिनल आदि से निकलने वाले जो रस होते हैं उनमें परिवर्तन आया, और जिसके कारण मनुष्य के शारीरिक लक्षणों में धीरे धीरे अंतर उत्पन्न होता गया। नेक्स्ट इन्होंने बात करी है कटिबंधीय स्तर अवधारणा, इसमें इन्होंने बताया कि मध्य एशिया से बाहर की ओर विभिन्न प्रजातियों का विस्तार जातीय कटिबंधों के रूप में हुआ है। सबसे प्राचीन प्रजाति बाहर तथा अंत में विकसित प्रजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, और यही क्रम प्रजातियों के जीवावशेषों का पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाता है। अर्थात जहाँ प्रजाति विविधता अधिक है वहां भूमि के नीचे स्तरों में प्राचीन प्रजातियों के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रिफिथ टेलर ने सिद्धांत का अगर हम सार देखें तो वो है कि प्रजातियों का विकास मध्य एशिया में हुआ है, ठीक है। दूसरा इन्होंने है कि सबसे पहले विकसित प्रजाति मध्य एशिया से अधिकतम दूरी पर मिलती है, जैसे निग्रिटोस, निग्रोस। सबसे बाद में विकसित प्रजाति जो है वो अपने उत्पत्ति स्थल यानी कि मध्य एशिया के पास मिलती है, जैसे कि मंगोलाइड, उसके आसपास रहते हैं अल्पाइन्स लोग। तो इस प्रकार ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत जो है ये हमारा पूरा होता है। अब ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियों का भी वर्गीकरण किया है जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। ग्रिफिथ टेलर ने अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत के माध्यम से ये तो बताया कि मध्य एशिया जो है वो समस्त प्रजातियों का उद्गम स्थल है, और यहीं से विकसित होकर विभिन्न प्रजातियां जो है वह बाहर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में फैली है। जो प्रजाति सबसे पहले विकसित हुई वो उद्गम स्थल से उतनी ही सबसे अधिक दूर महाद्वीपों के किनारे वाले भागों में है, और जो प्रजाति सबसे बाद में विकसित हुई वो मध्य एशिया के पास पाई जाती है। अब ग्रिफिथ टेलर ने बालों की बनावट, कपाल सूचकांक के आधार पर प्रजातियों को मुख्य रूप से सात वर्गों में बांटा है, जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया निग्रिटो। निग्रिटो का विकास मध्य एशिया में सबसे पहले हुआ, जैसा इन्होंने बताया था। यह विश्व की सबसे प्राचीन मानव प्रजाति है। सर्वप्रथम इसी प्रजाति का उद्गम मध्य एशिया में हुआ है। इस टेबल में जो सारी इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स, जो शारीरिक लक्षण जिनके आधार पर इन्होंने इनका वर्गीकरण किया है ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियों का, वो दिया हुआ है। जैसे निग्रो, इनका शिराए सूचकांक 68-70 होता है, और इनके केशों की आकृति छल्लेदार होती है। इनका
नासी का सूचकांक 95 से 100, इनके त्वचा जो है वो काली होती है, इनके शरीर का कद 140 से 158 सेंटीमीटर होता है, निवास क्षेत्र इनका मुख्य रूप से कांगो बेसिन में पश्चिमी दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका, श्रीलंका, पूर्वी द्वीप समूह में पाया जाता है। ठीक है, जैसे देखे निग्रिटोस जो है इनका शारीरिक लक्षण की बात करें तो इनका कद नाटा व छोटा होता है, इनका रंग काला चॉकलेटी होता है, इनकी जो नाक होती है वो चौड़ी व अधिक चपटी नाक है, आगे निकला हुआ जबड़ा है, छल्लेदार गुथे हुए बाल है, अधिक पतला और लंबा सिर होता है। इनका कपाल सूचकांक 68 से 70 के बीच होता है। अन्य प्रजातियों के उद्भव और विकास के कारण निग्रिटो यहाँ से स्थानांतरित कर महाद्वीपों के किनारे वाले भागों में रहने लगे, और आज ये जो निग्रिटो प्रजाति है मुख्य रूप से अफ्रीका के भूमध्य रेखीय वन यानी कांगो बेसिन, श्रीलंका, मलाया, दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह, अंडमान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, युगांडा, कैमरून, न्यू गिनी की पहाड़ी व सघन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरे आते हैं निग्रोस। निग्रोस जो है इनका शिराय सूचकांक 70 से 74, इनके केश जो है वो छल्लेदार होते हैं, नाक सूचकांक 90 से 95, इनका रंग काला चॉकलेटी होता है, इनके शरीर का कद जो है वो 168 से 174 सेंटीमीटर, और ये अफ्रीका के सूडान, गिनी तट, नाइजीरिया, एशिया के न्यू गिनी, पापुआ में पाए जाते हैं। देखिए इनका सिर जो है वो अत्यधिक लंबा, बाल लंबे व ऊन जैसे घुंघराले, काला रंग, जबड़ा बाहर निकला हुआ, नाक चौड़ी छोटी चपटी, कद छोटा होता है, कपाल सूचकांक 70 से 72 होता है। निग्रो जो है वो पुरानी दुनिया के दोनों किनारों पर मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के सूडान यानी पूर्वी भाग में, गिनी तटीय क्षेत्र यानी पश्चिमी भाग में, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों यानी पापुआ न्यू गिनी में भी मिलते हैं। भारत के जो कोल, श्रीलंका की वेदा जनजातियां हैं वो निग्रो प्रजाति से संबंध रखती हैं। तीसरे आते हैं ऑस्ट्रेलाइट। ऑस्ट्रेलाइट जो है ये इनका सिराय सूचकांक 74 से 78, इनके जो बाल है वो मध्यम घुंघराले होते हैं, इनका नासी का सूचकांक 80 से 90, और इनकी त्वचा का रंग जो है वो भूरा होता है, गहरा भूरा, इनके जो शरीर का कद है वो 158 से 168 सेंटीमीटर। ये ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी और मध्य अफ्रीका, दक्षिणी भारत, ब्राजील आदि में पाए जाते हैं, निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है इनके लंबे सिर वाली प्रजाति है ये, जिनका कपाल सूचकांक जो है वो 72 से 74 होता है, इनका चमकदार काला रंग होता है, ऊन जैसे घंघराले बाल, नाक इनकी मध्यम चौड़ी होती है, जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है, शरीर का औसत कद 160 से 167 सेंटीमीटर होता है। ये मुख्य रूप से मध्य व दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के भागों में रहते हैं, और ब्राजील के डॉन्स व बुटोकुटो, अफ्रीका की बंटू प्रजातियां जो है वो इस ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय प्रजाति जो है इनका सिराय सूचकांक बताया है 78 से 80, इनके बाल जो है वो लहरदार होते हैं, इनके नासिका सूचकांक 70 से 80, इनका रंग हल्का भूरा श्वेत होता है, शरीर का कद 168 से 170 सेंटीमीटर, और ये भूमध्य सागरीय प्रदेश, दक्षिण पश्चिम एशिया और उत्तरी भारत में मुख्य रूप से मिलते हैं। लंबे सिर वाली है ये, लंबे सिर वाले, बाल घुंघराले, नाक पतली अंडाकार, जबड़ा कुछ आगे निकला हुआ, कपाल सूचकांक 74 से 78, त्वचा का रंग हल्का कांसे जैसा, शरीर सुगठित होता है, इनका कद जो है वो औसत होता है 170 तक होता है इनका कद, और इनका विस्तार जो है वो मुख्य रूप से भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में मिलता है, और साथ ही दक्षिण यूरोप में पुर्तगाल, उत्तरी अफ्रीका में सेमोइड और मिश्री प्रजाति, दक्षिण यूरोप के पुर्तगाली लोग, उत्तरी अफ्रीका में सेमोइड और मिश्री प्रजाति, उत्तरी अमेरिका में इराकिया, दक्षिण अमेरिका में टुपी, ऑस्ट्रेलिया के माइक्रोनेशिया लोग जो हैं वो भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट है नॉर्डिक। नॉर्डिक जो हैं उनका सिराय सूचकांक 80 से 82, बाल उनके लहरदार होते हैं, उनका नासिका सूचकांक जो है वो 60 से 70 होता है, और इनका रंग जो है वो हल्का भूरा श्वेत होता है, इनका कद जो है वो 158 से 168 होता है। ये मुख्य रूप से उत्तरी यूरोप,
उत्तरी यूरोप, रूस और भूमध्य सागर के निकटवर्ती भागों में ही पाई जाती हैं। शारीरिक लक्षण अगर हम देखें तो सिर सामान्य आकार वाला, बाल लहरदार, नाक लंबी नुकीली, चेहरा चपटा, त्वचा रंग गोरा व भूरा, कद लंबा, शरीर सुगठित और कपाल सूचकांक 78 से लेकर 82 तक इनका मिलता है। यह मिश्रित प्रजाति के रूप में है। उत्तर पश्चिमी यूरोप में ये लोग प्रवास करके उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में भी ये पहुंच गए हैं। अफ्रीका में ये लोग नहीं मिलते हैं, नॉर्डिक लोग जो है उनका अफ्रीका में अभाव मिलता है और ये मुख्य रूप से यूरोप, एशिया, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में मिलते हैं। नेक्स्ट है अल्पाइन। अल्पाइन जो है इनका सिराय सूचकांक 82 से 84 और इनके बाल जो है वो सीधे होते हैं। इनका नासिका सूचकांक 50 से 60, इनका रंग श्वेत होता है त्वचा का, इनके शरीर का कद जो है वो 156 से 168 होता है और इनका निवास क्षेत्र जो है वो मध्य एशिया और दक्षिणी यूरोप में है। अल्पाइन्स जो है सिर चौड़ा, बाल सीधे, नाक पतली लंबी, त्वचा रंग भूरा, कपाल सूचकांक इनका 82 से 85 होता है। ये मध्य व दक्षिण पूर्वी यूरोप में रहते हैं। इनकी दो शाखाएं हैं, ठीक है, एक है पश्चिमी शाखा और दूसरी है पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा जो है ये लोग अधिक गोरे होते हैं, जो कि स्विस, स्लाव और आर्मेनियन अफगान लोग शामिल हैं। पूर्वी शाखा के लोग जो है वो कुछ पीलापन होता है उनके त्वचा रंग में, पीत वर्ण वाले होते हैं, जिनमें फिन्स, मंग्यार, मंचू, सियोक्स आदि शामिल हैं। नेक्स्ट और लास्ट है मंगोलिक लोग। मंगोलिक जो है ये लोग इनका सिराय सूचकांक 84 से 88, इनके बाल जो है सीधे होते हैं, इनका नासिका सूचकांक 45 से 50, इनकी त्वचा का रंग पीला होता है और ये लोग शरीर इनका जो है वो उनका कद 154 से 164 सेंटीमीटर होता है। ये मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी एशिया में तथा मंगोलिया में ये लोग मिलते हैं। यह नवीनतम प्रजाति है। ग्रिफिथ टेलर ने इसे उत्तर अल्पाइन प्रजाति भी कहा है। इनके शारीरिक लक्षण में गोल सिर, सीधे बाल, कपाल सूचकांक 85 से 90 तक, इनका नाक पतली, चेहरा चपटा, रंग गोरा से पीला और कद औसत होता है। इनकी आंखें जो है वो तिरछी होती हैं। एशिया के मध्यवर्ती भाग, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया यानी कि चीन, जापान और कोरिया में ये लोग मिलते हैं, रहते हैं। इस प्रकार ग्रिफिथ टेलर ने जो प्रजातियों का वर्गीकरण दिया है, ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।